बड़े शहर के एमएनसी में जॉब करता था। उसको घर लौटते हुए रात के 10 बज जाया करते थे। इस वक्त वो बड़े पुल के ऊपर से गुजर रहा था। यार आज भी घर पहुंचने में देर हो जाएगी, शहर में कितना ट्रैफिक ज्यादा होता है। उसने बाइक की स्पीड बढ़ानी चाहिए, लेकिन तभी उसने देखा पुल की रेलिंग के पास एक औरत अपने हाथ में एक नवजात बच्चे को लिए खड़ी है। ये क्या कर रही हो? मुझे ये करना ही पड़ेगा। ए, रुको, ये क्या कर रही हो? वो औरत अपने बच्चे समेत पुल के नीचे समुद्र में कूदने ही वाली थी कि तभी रोहित ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना बड़ा गुनाह करने जा रही थी? मेरी मजबूरी है जो मैं ऐसा काम कर रही हूँ। मैं तो अपने बच्चे और अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और अब उस नई बीवी को घर में रख कर मुझे नए बच्चे समेत घर से निकाल दिया। इसीलिए मैं अपने और अपने बच्चे की जिंदगी खत्म करने जा रही थी। सुबह तक तो वैसे भी हम दोनों भूख से मरने ही वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे शोहर को समझाऊंगा। हम लोग गांव के हैं, गांव की औरतों के साथ ऐसा होता रहता है, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। उसकी बात सुनकर रोहित को उस पर दया आ गई और उसने कुछ सोच कर कहा, तुम फिक्र मत करो, मेरे घर में तुम्हें जगह मिल जाएगी। मेरी बीवी अकेले घर संभालती है, तुम्हारे आने से उसकी भी मदद हो जाएगी। ये सुनकर उस औरत के चेहरे पर थोड़ी राहत नजर आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आ गया, आज तो मौसम बहुत खराब था। मैं मधु के अल्फाज अधूरे रह गए जब उसने रोहित के साथ उस औरत को देखा। हॉल में बैठे हुए रोहित के भाई रितेश ने भी उसको देख लिया। मधु ये मोहिनी है, बेचारी बेहद परेशान है, मरने जा रही थी, इसलिए इसे मैं यहाँ ले आ गया। अरे अरे, परेशानी तो सब पर आती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जिंदगी ही खत्म कर दे। आओ अंदर आओ। भाईजान, तो क्या ये अभी हमारे घर पर ही रहेगी? हाँ, मेरे हिसाब से तो यही ठीक है। ये तो अच्छी बात है भैया। सबने एक साथ खाना खाया। मोहिनी उस वक्त भी अपने बच्चे को गोद में ही रखा। फिर मधु ने उसको दूध की बोतल देते हुए कहा, ये लो, मैं तुमको तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, वहाँ बैठकर आराम से अपने मुन्ने को दूध पिला देना। अगले दिन से ही मोहिनी ने घर के काम में मधु का हाथ बटाना शुरू कर दिया। शाम के वक्त जब मधु और मोहिनी रसोई में खाना बना रही थी तो सोफे पर पड़े मोहिनी के बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। मैं अभी आती हूँ दीदी। अरे मोहिनी, तुम खाना बनाओ, इतना तो मैं भी मुन्ना को संभाल सकता हूँ, तुम क्यों परेशान होती हो? रितेश ने बहुत ही गंदी नजरों से मोहिनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। मोहिनी ने कुछ सोचा, लेकिन रितेश उसका जवाब सुने बगैर ही सोफे के करीब गया और उसने मुन्ना को गोद में उठा लिया। अरे मुन्ना बेटा, क्यों रो रहे हो? रितेश उसको चुप कराने के लिए कुछ करने लगा, लेकिन तभी उसको कुछ महसूस हुआ। अरे, इस बच्चे का वजन अचानक इतना कैसे बढ़ गया? वो बच्चा इतना भारी हो गया कि रितेश से संभाला ही नहीं गया और जमीन पर गिर गया और तभी धम की आवाज हुई। अरे मेरा बच्चा! मोहिनी भागी भागी उसके पास आई और उसके पीछे मधु भी पहुंच गई। ये क्या रितेश, तुमसे एक बच्चा संभाला नहीं जाता तो तुमने क्यों मोहिनी को रोका था? रितेश के मुंह से कोई जवाब देते ही नहीं बन रहा था। उसको ये देखकर बहुत ही अजीब लग रहा था कि
कि जो बच्चा उसे संभाला नहीं गया वो मधु ने इतनी आसानी से कैसे उठा लिया, और उस बच्चे को जरा भी चोट नहीं आई थी तो वो बस मुस्कुरा कर रह गया। कोई बात नहीं दीदी, मुन्ना को कुछ नहीं हुआ, ये अच्छा है। ऐसा कहकर मोहिनी अपने बच्चे को गोद में उठाकर किचन में ले आई। अरे मेरे मुन्ने को भूख लगी है ना? अभी रुको। उसने चिकन लेग पीस निकाला और उस बच्चे के होठों पर रखा। तभी पूरा लेग पीस उस बच्चे ने अपने मुंह के अंदर ले लिया। मोहिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रात को डिनर के वक्त रितेश सबकी नजरों से बचकर उसके जिस्म को बार बार निहार रहा था, और मोहिनी का इस पर जरा भी ख्याल नहीं था। मधु दीदी, मैं जरा मुन्ने को बाहर घुमा लाती हूँ। ये क्या कह रही हो, इतनी रात में इसे कहाँ लेकर जाओगी? ये तो इसकी आदत है, रात के वक्त इसे कुछ देर के लिए बाहर घुमाना ही पड़ता है, वरना ये पूरी रात रोता रहेगा। मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर मोहिनी घर से बाहर निकल गई। मैं भी जरा गार्डन में टहल लेता हूँ, खाना हजम हो जाएगा। ये कहकर रितेश भी घर से निकल गया, लेकिन असल में वो गार्डन में न जाकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। आज तो इसे अपने दिल की बात बता कर ही रहूंगा, एक बच्चे की माँ है पर क्या हुआ, है तो एकदम लड़की मटेरियल ही ना। थोड़ी दूर जाने के बाद घना जंगल शुरू हो गया था। अरे ये चल रही है कि दौड़ रही है, इतनी तेजी से कोई कैसे चल सकता है भला। और ये देखकर रितेश हैरान रह गया। तभी झाड़ियों में अजीब सी हलचल होने लगी। रितेश अभी भी बस यही सोचने की कोशिश कर रहा था कि मोहिनी ने ऐसा क्यों किया। तभी झाड़ियों के अंदर से एक 6 फीट लंबा एक बहुत ही खौफनाक दिखने वाला हैवान बाहर आया। उसका मुंह भेड़ियों के जैसे था और पंजे बहुत ही खूंखार थी, आंखें सुर्ख नीली थीं और पूरे जिस्म पर बाल ही बाल उगे हुए थे। उसे देखकर रितेश का दिल दहल उठा और उसकी सांस गले में ही अटक गई। अचानक उस दानव ने रितेश पर हमला बोल दिया और फिर रितेश की तेज चीख फिजा में गूंज गई। अरे मोहिनी, तुम वापस आ गई? तुमने रितेश को देखा है क्या? जी हाँ, मैंने उनको जंगल की ओर जाते हुए देखा था। जंगल की तरफ? ये कहते हुए रोहित ने मधु की ओर देखा, लेकिन मोहिनी चुपचाप अपने बच्चे के साथ अपने कमरे में चली गई। सुबह होने पर जब रितेश घर वापस नहीं लौटा तो रोहित और मधु को उसकी फिक्र होने लगी थी। उसके बाद रात होने तक भी रितेश घर नहीं आया। आसपास पूछकर आ गया, लेकिन किसी ने भी हमारे रितेश को नहीं देखा। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। जब मोहिनी अपने बच्चे के साथ निकली थी तभी रितेश भी उसके पीछे ही घर से निकल गया था। कहीं ये मोहिनी हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? ये सुनकर रोहित भी सोच में पड़ गया था। मोहिनी ने खाना खाया और आज भी खाना खाते ही उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा। वा, वा, वा। दीदी मैं जरा मुन्ने को घुमाकर लाती हूँ, वरना ये चुप ही नहीं होगा। ये कहकर मोहिनी घर से निकली, लेकिन आज रोहित उसके पीछे पीछे हो लिया। रोहित काफी फासले के साथ उसका पीछा कर रहा था। बस बस मुन्ना, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, सब्र करो। मुन्ना तेज तेज रोए जा रहा था। ये किस जगह पहुंचने की बात कर रही है? मोहिनी उन्हीं झाड़ियों के पास जाकर रुकी, लेकिन आज वो मुन्ना को वहाँ फेंकती वो उसकी गोद से जमीन पर कूद गया। मुन्ना कहाँ जा रहे हो? मुन्ना देखते ही देखते उसी हैवान में तब्दील हो गया। ये देखकर रोहित की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। फिर उस हैवान ने झाड़ियों के बीच से छिपी किसी चीज को निकाला। ये चीज थी रितेश की लाश। हैवान ने रितेश की एक टांग पर अपना मुंह मारा और चबाने लगा। ये मंजर देखकर रोहित थरथर कांपने लगा और वहां से ऐसा भागा कि सीधा अपने घर के अंदर ही आकर रुका। उसकी सांस फूल रही थी
और वो पूरा पसीना पसीना था। रोहित, आपको क्या हो गया है? आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? मोहिनी का बच्चा मुन्ना, वो बच्चा नहीं, एक हैवान है। क्या? अब रोहित ने मधु को सारी बात बता दी। इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। ये दोनों बस जल्दी से अपने कमरे में घुसकर बैठ गए। कुछ वक्त बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। लगता है वो आ गई। मुन्नी अपने बच्चे के साथ अपने कमरे में चली गई, जो कि अब फिर से बच्चे की तरह दिखने लगा था और बिल्कुल खामोश था। उसके कमरे में जाने के ठीक बाद ही रोहित और मधु भी उसके कमरे में घुस गए। क्या हुआ? आप लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? ये सुनकर रोहित ने चाकू सामने किया और बोला, मैंने अपने आंखों के सामने इस मुन्ना को हैवान बनते हुए देखा है। मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा। इसे कुछ मत कीजिएगा। इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहता कि जैसे इसने मेरे भाई की जान ली है, वैसे ही किसी और को भी अपने हैवानियत का शिकार बनाए। इतना कहकर रोहित ने तेजी के साथ मुन्ने पर चाकू से हमला किया। ये देखकर मधु भी खौफ में आ गई थी और तभी मोहिनी जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ तुझे? क्यों ऐसे चुड़ैलों की तरह हंस रही है? तुझे क्या लगता है, मेरे बेटे को मारकर तूने बहुत समझदारी वाला काम किया है? तूने सिर्फ मेरे बेटे को मारा है, लेकिन उसके अंदर बसे हुए हैवान को नहीं। वो तो एक श्राप है, हमेशा उसको मारने वाले पर लग जाता है। तू भी अब शापित है। ये सुनकर रोहित ने गुस्से में मोहिनी को भी मार दिया और पूरे कमरे में खामोशी छा गई। अगली रात मधु और रोहित दोनों ही हॉल में थे। आप आखिर कब तक भूखे रहेंगे? हमारा रितेश अब वापस तो नहीं आने वाला ना? मैं खाना बनाकर लाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं है खाने का। खाने का मन तो मोहिनी का भी नहीं था, इसीलिए वो दोनों ही रात भर भूखे ही कमरे में जाकर सो गए। तकरीबन 2 बजे अचानक रोहित चीखने चिल्लाने लगा। रोहित, क्या हुआ आपको? रोहित देखते ही देखते उसी हैवान में तब्दील हो गया और मधु को खूंखार निगाहों से घूरने लगा। मधु का दिल दहल उठा और उसकी चीख पूरे घर में गूंज कर रह गई। हा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